एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? चलिए इन द मीन टाइम अदर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, अदर सेक्शन आर ज्वाइनिंग, विल बी डूइंग सम क्वेश्चन। राइट बच्चों, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम। सर, देयर विल बी अ हिंड्रेंस फॉर 5 मिनट्स बिकॉज वन ऑफ माई क्लास इज नॉट वर्किंग. सो द चिल्ड्रन आर बींग सेटल्ड इन, फाइव फाइव चिल्ड्रन आर बींग सेटल्ड इन ऑल अदर फाइव सेक्शन. सो प्लीज काइंडली बेयर विद इट. राइट राइट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर. तो मैं देती हूँ सेफ्टी से। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वंस अगेन एंड ऑल द टीचर प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। बच्चों, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर, प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। चलिए, तो विल बी डूइंग सम क्वेश्चन। सबसे पहले राइट दैट दिस इज अ क्वेश्चन बच्चों। प्लीज डू दिस क्वेश्चन बच्चों। -54 + 48 - 78 + 30 - 117। एंड प्लीज डू इट, एंड वही बच्चा रिप्लाई करेगा बेटा जिससे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जल्दी से बच्चे पेन पेपर निकाल के शुरू कीजिए जल्दी। सर डन. How many of you have done it? Please complete this question, बच्चों। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, सेपरेट द नेगेटिव साइन टर्म्स, एड देम सेपरेटली एंड एड द पॉजिटिव टर्म्स, एंड विच एवर इज ग्रेटर सब्ट्रैक्ट एंड पुट द ग्रेटर टर्म साइन। हाँ जी बच्चे, 6B पीयूष, 6B से पीयूष आ जाए बेटा। हाँ जी बेटा, अभी नोटबुक लेके आइए। अभी कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तक क्या किया आपने? नोटबुक लेके आइए बच्चे आपने। अभी तक क्या किया है आपने सॉल्व करने में? क्या किया अभी तक? सर अभी हमने 48, लाउडर लाउडर। सर अभी हमने 48 + 30 किया है। अच्छा, 48 + 30।
वेरी गुड, कितना आया बताइए? 78 प्लस सेवेंटी एट 78 के बाद क्या करना है? किससे? तो उसके बाद हमने माइनस करना सुनो प्लस करना है 57 54 78 117 को प्लस करना है। सर करके बताइए बेटा कितना आया। यहीं पर खड़े होकर कीजिए, अभी हम कर रहे हैं सॉल्व। यहीं पर खड़े होकर कीजिए, कोई बात नहीं। आई एम गिविंग द टाइम, प्लीज डू इट। हाँ जी, इन द मीन टाइम सहज फ्रॉम 6B, सहज फ्रॉम 6B, प्लीज कम बचे। यस सर। बेटा आप नोटबुक लेके आए अपनी, जो भी स्टूडेंट आए माइक पे प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक एंड असाइनमेंट। नोबडी शुड कम विदाउट नोटबुक एंड असाइनमेंट। Have you done it? कर Why? बच्चे रहे हैं कितनी देर लगेगी करने में? एक सिंपल क्वेश्चन, क्या किया अभी तक बताइए जरा। सर। 48 को 30 के साथ प्लस कर रहे कितना आ गया? अच्छा, दोनों दोनों ने सेम सर मैच करके किया है क्या? एक सेक्शन में अलग में, दो दूसरे में? जितना बेटा उस वाले बच्चे ने बोला सेम आप बोल रहे हो, पीयूष ने जो भी बोला आप भी वही बोल रहे हो, क्योंकि उतना ही सुना है ना। टीचर प्रेजेंट, प्लीज चेक हिज नोटबुक वेदर ही हैज डन एनीथिंग और नॉट। प्लीज चेक हिज नोटबुक। टीचर सर प्रेजेंट इन द क्लासरूम बेटा। सर मैम प्लीज चेक हिज नोटबुक वेदर ही हैज डन समथिंग और नॉट। सर ही हैज नॉट डन एनीथिंग। व्हाई बेटा? पीयूष व्हाई यू हैव नॉट डन? सर नहीं, आप तो करोगे ना बेटा, पहले क्यों नहीं किया आपने? पीयूष बोलो कि आई हैव डन सर। सर आई हैव डन यू हैव कंप्लीटेड पीयूष? यस। सर प्लीज डू इट। हाँ जी बेटा, पता नहीं क्या किया सर आपने। खुश माइनस 171 फाइनल, माइनस 171 व्हाट इज दिस? ये क्या आया बेटा? सर माइनस 171 मुझे सुन गया, -171, बट व्हाट इज दिस? ये क्या है? आंसर है ये आपका? यस कैसे आया बेटा, मैं वो पूछ रहा हूँ। पहले 48 और 30 को प्लस किया बाद में 54 78 117 को प्लस किया वो कितना आ गया? बाद में जो आंसर आया अच्छा मेरी उसमें बात सुनिए, फर्स्ट लिसन टू माय क्वेश्चन। आपने जब इन तीनों टर्म्स को ऐड किया तो व्हाट यू गॉट? सर 249 249 प्लस है माइनस है? सर माइनस वाई माइनस? सर बिकॉज 78 के आगे प्लस है 249 के आगे माइनस ओके, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आया बेटा? 171 171 प्लस और माइनस? माइनस। माइनस। वेरी गुड बेटा, ठीक से डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया यहाँ पे, जो नेगेटिव टर्म्स थी, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन सबको अलग से ऐड कर दिया। ऐड कर दिया बेटा 54, 78 एंड 117, तो इनको ऐड करके कितना आया बेटा? 9। ये आ गया बेटा, और ये सारी नेगेटिव टर्म्स थी, सो वी हैव पुट द नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, राइट? तो नाउ दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो ग्रेटर टर्म में से स्मॉलेस्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी और ग्रेटर का साइन लगा दिया। 249 में से 78 सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, तो वी गॉट 171। 249 का साइन नेगेटिव था, तो वी हैव पुट द नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? ठीक सर यस। है।
स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज आस्क द क्वेश्चन। बच्चे जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, और आप डाउट्स के साथ ही वापिस चले जाओगे तो हमारी क्लास का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आस्क कोई भी सिली क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे हम। बच्चे ऑल स्टूडेंट्स टू डू इट। -712 + 343 -104 + 76। डन बेटा जी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन ओनली वन और टू। जी बाकी स्टूडेंट्स प्लीज डू इट फास्ट। चलिए प्लीज फ्रॉम सेक्शन 6F प्लीज कम 6F प्लीज। आ जा बेटा नोटबुक और अपनी असाइनमेंट लेके आना जरा। प्लीज कम फास्ट। हाँ जी हो गया बेटा। सर यस यस बताइए बेटा क्या किया आपने। सर 100 ओ सॉरी 712 को पहले 104 के साथ प्लस कर देना है। राइट कितना आ गया बेटा 816 राइट। उसके बाद सर उसके बाद 343 को 76 से माइनस प्लस माइनस कर देना है। बेटा 76 कितना बेटा सर 429 माइनस करना है प्लस करना है। आप बोल रहे हो माइनस करना है और आप कर प्लस रहे हो तो सर नो प्लस रॉन्ग कर करना रहे इसमें। हो। प्लस भी रॉन्ग किया आपने।
सर इसमें प्लस सर 420 फोर हंड्रेड 29 तो रॉन्ग है बेटा। अगेन डू इट, एडिशन कीजिए दोबारा से। हाँ जी बच्चे, अगेन देखिए बेटा, 343 एंड 76 को जब आपने ऐड किया, 6 + 3 कितना होता है? 6 + 3 9 9, 7 + 4 14 4 11 11 का 1 1 कैरी हो गया, 3 + 1 कितना4 आएगा बेटा? सर 419 490। आप क्या करेंगे? सर इनको माइनस कर देंगे दोनों को अच्छा, किसमें से किसको माइनस करेंगे बेटा? सर 816 को 409 में से 490 19 में से 816 में से करेंगे बेटा ना। From 816 you will subtract 419. So how much you will get? How much? करके बताओ बेटा जल्दी से। Tell me कितना आएगा इसको subtract करके? कितना सर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको माइनस आएगा subtract करके बताइए मुझे बेटा। क्या Please tell me. रहा 397 397 प्लस और माइनस, सर माइनस बेटा आर फ्री तो आप बोल रहे करना हो, आप 6B से, आर यू हरप्रीत? आर यू हरप्रीत द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच इन सेक्शन 6B, इज योर नेम बेटा हरप्रीत? आई एम टॉकिंग टू हरप्रीत ना। हाँ जी हरप्रीत, टेल मी बेटा। यस माइनस टेल मी, सर 397 प्लस और माइनस? सर माइनस वाई माइनस? वाई माइनस? प्लस माइनस दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म और साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्म इज माइनस, माइनस दैट्स व्हाई माइनस। बच्चों सबको क्लियर हुआ बेटा? ये जो दो नेगेटिव टर्म थी इनको हमने ऐड किया तो वी गॉट -816, और दोनों पॉजिटिव टर्म्स को ऐड किया वी गॉट +419। नाउ दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस, तो ग्रेटर में से स्मॉलेस्ट को माइनस किया और साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्म हमने लगा दिया। इज इट क्लियर बच्चों? यस आई होप थोड़ा और बेटर क्लियर हुआ होगा अब आप लोगों को। नाउ वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट। कल कहाँ तक किए थे बच्चों हमने असाइनमेंट में? 9 क्वेश्चन कर रहे थे हम, हो गए? समझ में आ गया था आप लोगों को? इज 9 क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता सर हूँ। नाउ व्हाट विल बी द 4 डिजिट इवन पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट 4 डिजिट? 9th हो गया था सर हो गया था, कर लिया था आप लोगों ने? ठीक यस है, अब हम चलते हैं मैथ का फॉलोइंग। मैथ द फॉलोइंग देखिए बच्चों, हाँ जी बच्चों देखिए, नंबर लाइन बनी हुई है लेफ्ट साइड में, थोड़ी राइट, एंड वी हैव बीन शोन सम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन इट, बढ़ता यस और नो?
यस तो वी हैव टू टेल विच चॉइस मैचिंग विच वन। फर्स्ट चॉइस अगर हम देखते हैं बच्चों, देखिए फर्स्ट चॉइस में क्या बना हुआ है बेटा, -1 -2 -3 है, एंड हियर इट इज 1 2 3 राइट बच्चों। दिस इज -3 2 3 इज इट क्लियर जी। व्हाट इज शोन हियर, हाँ जी बच्चों यहाँ पे क्या शो किया हुआ है बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बच्चे यस भाई आने बहुत दिस इज द एरो एंड दिस इज द एरो, व्हाट आर दी शोस बोलो बच्चे। देखिए अगर आप फर्स्ट चॉइस देखेंगे बेटा, यहाँ पे ये -3 है बेटा, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट यस राइट नाउ। एंड फ्रॉम हियर वी आर मूविंग हाउ मेनी पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6, तो -3 वी आर मूविंग फ्रॉम -3 टू राइट ऑफ द -3 राइट, मूविंग फ्रॉम -3। देखिए इस एरो की डायरेक्शन देख रहे बेटा, वेयर दिस एरो इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस और नो? अच्छा देखो बड़ा थोड़ा सा ना ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, आफ्टर दैट इट्स क्वाइट इजी। कॉन्सेप्ट को समझना है आपने, एरो की डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मीनिंग क्या है, यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब एडिशन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं मतलब एडिशन होता है, यस और नो? बच्चे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड, ओनली वेरी फ्यू, सबको समझ आ रहा है वो सेक्शन ए में। अच्छा जी चलिए सेक्शन ए से आ रही है मैम, प्लीज सेंड एनीवन फ्रॉम द बैक साइड, वो लास्ट में कॉर्नर में दो गर्ल्स बैठी है ना, उनके नेक्स्ट वाले बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो आ जाए सेक्शन ए में। हाँ जी आ जाए बेटा, आ जाए, असाइनमेंट लेके आए हैं अपनी। समझ में आ रहा है आपको? तो फर्स्ट की चॉइस कौन सी होगी बेटा? हाँ जी बोलिए, व्हाट विल बी द फर्स्ट चॉइस, क्या शो कर रहा है बेटा ये डायग्राम? ये देखिए -3 है और यहाँ पे +3 है, दिस इज -3, वी आर एडिंग हाउ मच टू -3, बस 6 ऐड किया बेटा हमने, यस और नो? आपने हैंड तो बड़ा ऊपर रेज किया हुआ था, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, अगर आपको समझ आ रहा है तो यस कीजिए, नहीं आ रहा तो यू कैन गो बैक, आपने हैंड रेज किया हुआ था दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, बाकी लोगों को देख के हैंड रेज किया था या कुछ समझ आ रहा था आपको, आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे को? ऑप्शन ऑप्शन तो बता, सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, उसका क्या ऑप्शन आएगा बताइए जरा मुझे, सेकंड पार्ट का क्या ऑप्शन आएगा बेटा? ऑप्शन डी ऑप्शन, डी ऑप्शन कैसे आया बेटा, किसी से आवाजें आ रही हैं आप उसी को कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, डी ऑप्शन कैसे आया बेटा लॉजिकली बताइए मुझे, डी डाउन
डोंट रेज हैंड अनलेस और अंटिल यू हैव अंडरस्टूड फुली. समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग दिस? कितने बच्चों को समझ आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड. ओनली वन स्टूडेंट आई कैन फाइंड आउट. टू थ्री फोर. वेरी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स. सेक्शन ए में काफी बच्चों ने हैंड रेज किया. सेक्शन ए में किसको समझ आ रहा है बेटा? अभी किसी का हैंड रेज नहीं है. बच्चे ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चे. अब देखिए आपने क्या देखना है, ये जो एरो की डायरेक्शन देखनी है बेटा, जो बड़े वाला एरो है ना दोनों पॉइंट्स के बीच में, यू हैव टू लुक एट इट्स डायरेक्शन. इफ इट डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मीन एडिशन राइट, एंड इफ इट्स डायरेक्शन इज राइट टू लेफ्ट दैट मीन सब्ट्रैक्शन. एक्शन. तो फर्स्ट चॉइस में देखिए एरो इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट साइड पे जिस पॉइंट से स्टार्ट किया इसने, दैट पॉइंट इज -3. सही है सर. यस. एंड दिस एरो हैज मूव टू 6 पॉइंट्स. सही यस. सो दिस इज -3 + 6. सो चॉइस सी विल बी देयर. सर. यस. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सर. यस. नाउ इफ वी मूव टू द सेकंड चॉइस. सर प्लीज रिपीट इट अगेन. सी, if you look at this arrow, the top one arrow between the two extreme points, the arrow is moving from left to right. Left to right का मतलब क्या होता है कि हम negative से positive जा रहे हैं, right or not बच्चों? That's mean we are adding up. Yes or no? This arrow has started from this point. यहाँ से arrow से start किया ना ये वाला, देखिए जरा. Is it clear? Yes. This point is -3, so it has started from -3 and it has moved how many points? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points move kiya beta isme. Yes. So we have added up 6 points. Is this clear? Yes. Ab kitne bachcho ko clear hua? Please raise your hand. ओके चलिए अब नेक्स्ट चॉइस कौन बताने आएगा मेरे पास? रेज कीजिए अपना हैंड, मैं उनको बुलाता हूँ. बस अब फिर एक दो बच्चे आ रहे हैं. सेक्शन ए से कौन बताएगा बेटा? एनीवन फ्रॉम सेक्शन ए प्लीज कम. कोई भी एक स्टूडेंट सेक्शन ए से आ जाइए माइक पे. आ जा बेटा आ जा, जिसने हैंड रेज किया है. हाँ जी बेटा, सेकंड चॉइस एक्सप्लेन कीजिए जरा. सर सेकंड का ए आना चाहिए. ए आना चाहिए. देखिए बेटा, इस केस में एरो जो मूव कर रहा है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है. सर यस. राइट टू लेफ्ट आ रहा है बेटा. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 से स्टार्ट किया एरो ने, और कितने पॉइंट मूव किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9 पॉइंट्स मूव किया बेटा. यस. 5 से लेके ये -4 तक आया है, तो दैट्स मीन इट हैज मूव 9 पॉइंट्स. दैट्स व्हाई इट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो दिस विल बी सब्ट्रैक्शन राइट, माइनस साइन. दिस इज ओके. नेक्स्ट आ जाइए बच्चे. लवीश, लवीश फ्रॉम 6A. असाइनमेंट लेके आना बेटा अपनी. लवीश फ्रॉम 6E. कौन है बेटा लवीश? जल्दी आओ. यस. हाँ जी बेटा, फोर्थ चॉइस का आंसर बताइए क्या आएगा? फोर्थ. हाँ जी बोलिए बेटा. डोंट टेल मी, टेल हिम. सर कौन सा?
इतनी देर से क्वेश्चन हो रहा था बेटा, आप सो रहे थे क्लास में, आपको क्वेश्चन भी नहीं पता चला कौन सा क्वेश्चन था बेटा। विच क्वेश्चन वी आर डूइंग, क्वेश्चन वी आर डूइंग थर्ड वन, थर्ड पार्ट, कौन से क्वेश्चन का बेटा? आपको क्वेश्चन नहीं पता बेटा, आप कर रहे क्या? थर्ड पार्ट, मैच द फॉलोइंग का थर्ड पार्ट। हाँ यस। जी, क्या करेंगे बेटा इसमें? पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो ऑलरेडी बनी हुई है बेटा, उसमें आपने नहीं बनाना, क्या करेंगे फिर? हाँ जी, कौन सी चॉइस होगी इसकी बेटा? ए बी सी डी, कौन सी चॉइस होगी? सर सी सी, वाई सी। सी डाउन, नेक्स्ट आ जाइए जी। वरुण दीप फ्रॉम सेक्शन ए। हो गया बेटा आपका क्वेश्चन? आज नहीं आ रही है बेटा आपकी, लगेगी करने में। ये जो करने वाला है ना, कंटिन्यूअस पे बेटा, कंटिन्यूअस में चल रहा होता है, कर रहे हैं, चल रहा है, हो रहा है। यू नीड टू चेंज इट। डन, हो गया, समझ में आ रहा है? सिट डाउन। देखिए बच्चे, सी ऑप्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो एरो की डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट बच्चों, तो दैट्स मीन एडिशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -4 से। -4 प्लस, हाउ मेनी पॉइंट्स दिस एरो मूव्स? फोर। तो हाउ, -4 प्लस फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जी। एरो इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम फोर। यस लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी एंड यस हैज मूव 8 पॉइंट, तो इट विल बी 4 माइनस 8। तो ऑप्शन अब राइट आंसर क्या होगा बेटा? बी बी ऑप्शन बी ऑप्शन ऑप्शन। हाँ जी, तो चॉइस सी विल बी द करेक्ट चॉइस। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? आया बच्चों या नहीं आया? थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, यस आवाज नहीं आ रही, काफी बच्चों को नहीं समझ आया मुझे लगा। एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट ऑन दिस क्वेश्चन कैन आस्क। नो बेटा आपको डाउट नहीं है, हो सकता किसी और को। यस और नो? एनी स्टूडेंट हैव डाउट प्लीज रेज योर हैंड। नोबडी विल आस्क द क्वेश्चन लेटर ऑन, व्हेन आई विल आस्क द क्वेश्चन नोबडी विल रिप्लाई, है ना? चलिए अब असर्शन रीजंस पे आ जाते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन -32 +11 =21। हाँ जी, कौन फॉल्स लिए? जी, आ जाए जी। नानक, नानक फॉल्स फ्रॉम 6C। साइन बैंड लेके आना बेटा, बताइए जरा। -32 +11 = 21, यस और नो? आज भी आ रही बेटा आपकी? हाँ जी बच्चों, वाई देर इज साउंड इन 6A। हाँ जी बोलिए बेटा, कैसे सर ड्रू ट्रू है बेटा? -32 +11 क्या आंसर आएगा बेटा इसका? 21। सर -21 वाई माइनस,
वाई माइनस बेटा, बिकॉज द साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्म इज माइनस, हेंस इट विल बी -21. तो चॉइस क्या होगा, फॉल्स हो गया. फॉल्स. फॉल्स. एंड व्हाट इज द रीजन, व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज एडेड, द साइन ऑफ द रिजल्ट इज सेम एज द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर. राइट, तो इट इज ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स. ये भी फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है. नो. क्या फॉल्स है बेटा इसमें? ट्रू. नहीं, ट्रू फॉल्स बोले जा रहा बेटा बिना कुछ समझे हुए. मन आता है ट्रू बोल देते हो, मन आता है फॉल्स बोल देते हो. व्हाई इट इज ट्रू? मेरी तरफ देखो जरा, इधर छोड़ दो असाइनमेंट. आपको कुछ समझ आ रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए जरा. अर्पित 6B से, इज अर्पित देयर? आ जाओ, मुझे असाइनमेंट लेके आओ अपनी. हाँ जी बेटा, आपको क्लियर हुआ है फर्स्ट वाला सेशन रीजन क्वेश्चन? क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का? ये देखिए, बताइए मुझे रीजन जो लिखा हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू. ट्रू. व्हाई इट इज ट्रू? हाँ जी बेटा, व्हाई इट इज ट्रू? इट इज अ बिगर इंटीजर. हु इज हेल्पिंग यू? हु इज हेल्पिंग यू बेटा? सिट डाउन. देखिए बच्चों, यहाँ पे जो असर्शन है वो हमने पॉज की. व्हाई? Because the sign of the greater term was negative, but the answer is given in positive, so it should be negative. और same reason जो है आपका reason में given है कि when one positive integer and a negative integer are added up, the sign of the result is same as the sign of bigger integer. यही हमारा बेटा concept होता है और इसी concept पे हम work करते हैं कि whenever you are adding two integer with same sign. Add them and put the sign of the greatest one. When you are adding two integers with opposite sign, subtract the smaller from the bigger one and put the sign of the bigger one. So, यही लिखा हुआ है बेटा. तो आपका assertion false है, reason true है. तो choice कौन सी होगी बेटा ये? A is false but and R is true. कौन सी choice होती है बेटा ये वाली? D. D choice. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सेकेंड असर्शन इज -7 माइनस -11 इक्वल टू 4. इज दिस ट्रू? इज दिस ट्रू? सर यस. हाँ जी यस. व्हाई? बिकॉज देखिए बच्चों, द फॉल्स. फॉल्स है ये? कौन बोल रहा है फॉल्स है ये? कैसे फॉल्स है बेटा, बताएंगे आप मुझे जरा? किसने बोला फॉल्स? हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड. कोई बात नहीं, गलत भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. आपका डाउट तो क्लियर होना चाहिए ना. ये फ्रंट बेंच वाला बच्चा बोल रहा है 6B में. हाँ जी बेटा, खड़े हो जाइए आप फ्रंट बेंच 6B. प्लीज स्टैंड अप. सर यस. आप बोल रहे थे ना बेटा? सर नो सर, ये गर्ल कह रही थी. हाँ जी सर, गर्ल. उनको खड़ा कर दीजिए. हाँ जी बच्चे, कैसे फॉल्स है ये? और ये फॉल्स है या ट्रू है ये बताइए पहली चीज से. यस बेटा, 7 + 11 सर फॉल्स. फॉल्स है बताइए.
सो बिकॉज माइनस माइनस प्लस यस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। सो यस अब क्या करेंगे सर? पर सर वर्कशीट में माइनस सेवन में माइनस फोर गिवन है, मेरी वर्कशीट में तो बेटा प्लस फोर है। सो यस प्लस फोर है ना वर्कशीट में तो। सो यस ये रॉन्ग है सर। नो फिर आपने फॉल्स क्यों बोला बेटा? सर मुझे वो ना लगा कि वो डॉट्स ना उसका सेवन का माइनस नहीं है। ओके ओके बेटा, तब तो फिर बिल्कुल ही गलत हो जाता। अगर सेवन का जो डॉट्स है माइनस नहीं है तो फिर भी रॉन्ग ही होता। फिर कैसे करेक्ट हो गया? अच्छा ये बताइए, चलो सर मुझे लगा कि सेवन के आगे ना माइनस का साइन नहीं है तो सिर्फ प्लस का नहीं आंसर नहीं है। नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको जो भी लगा मैं मान रहा हूँ कि आपको ठीक लगा, ठीक है? देखिए जरा, सेवन के आगे माइनस साइन नहीं है बेटा, राइट? दिस इज क्लियर नाउ, दिस इज अ क्वेश्चन। सो यस अब इसको सॉल्व करेंगे तब भी ये फॉल्स से आएगा, तब कैसे ये ट्रू हो गया? हाँ जी बच्चे, ये तो 18 बन गया, विच इज नॉट इक्वल टू 4, तो तब सर भी फॉल्स से मैंने आएगा। चलो सिट डाउन। तो यहाँ पे बच्चे इनको दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो 11 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया यू गॉट 4, और 4 का जो साइन होगा दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव, सो हेंस इट इज ट्रू। यस और नो बच्चों? यस और नो? यस Yes. रीजन देखते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम एन इंटीजर, इट इज इनफ टू ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। समझ में आया बच्चों या नहीं आया आपको क्वेश्चन? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं बता देता हूँ उसका क्या मीनिंग है। नाउ व्हाट ही सेइंग कि आपको सपोज आपके पास दो इंटीजर है, लेट से 8 और ये लेट से माइनस, इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई भी दो इंटीजर नहीं है आपने, तो क्वेश्चन क्या बोला है, टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर फ्रॉम दिस इंटीजर, इट इज इनफ टू एड। अब इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें, क्या ऐड करना बेटा? एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर, व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3? +3 +3। अगर इसके अंदर हम ऐड कर दें क्या एडिटिव इनवर्स, दैट इज द सेम थिंग। समझ में आया बेटा? व्हेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम द अनदर वन, it is enough to add the additive inverse of the integer. समझ में आई स्टेटमेंट या नहीं आई? थोड़ी सी टेक्निकल स्टेटमेंट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टेटमेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा, लेकिन हम इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। माइनस सेवन माइनस माइनस इलेवन, इज इट क्लियर बच्चों? अब हमें माइनस सेवन में से माइनस इलेवन सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? प्लीज लिसन केयरफुली, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस इलेवन फ्रॉम माइनस सेवन। सो व्हाट ही सेज, यू एड फर्स्ट वाले इंटीजर पे क्या एड कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर टू बी और द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस इलेवन? +11। उसमें हम +11 एड कर दें, इज इट सेम? Is it same or not? Yes. बच्चे ये क्या हो गया, ये assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, तो ये option हो गया बेटा, clear है? Yes. तो statement है, choice number 8 करनी है। हाँ जी, next question पे चलते हैं बच्चों। Hey!
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, असर्शन 3, 50 माइनस माइनस 30 प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू 77। जल्दी से सॉल्व करके बताइए बच्चों, 50 माइनस माइनस 30 प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू, देखिए बिल्कुल सिंपल है बच्चे, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, इज इट क्लियर? राइट जी, ये स्टेप क्लियर हुआ बच्चों? इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट? जब आपको एक इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे इंटीजर से, यू जस्ट ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सेकेंड वन। तो सेकेंड का एडिटिव इनवर्स क्या था, माइनस 30 का प्लस 30, तो वी हैव एडेड 30 टू द 50, इज इट क्लियर? आई नो नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। तो बच्चों इसको जब आपने ऐड कर दिया सबको पॉजिटिव को, तो दिस बिकम 82 एंड माइनस 5, 72 आ गए बेटा, यस ट्रू है? ट्रू सेवेंटी है या नहीं है बेटा? नेक्स्ट इज रीजन, -3 -4 -8 आर नेगेटिव इंटीजर, 5 6 आर पॉजिटिव इंटीजर, इज ट्रू? इज ट्रू बेटा? नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ जी बच्चे, तो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो चॉइस कौन सी आएगी बेटा, ये ऑप्शन। ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन, 1 2 3 4 डैश 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 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑप्शन दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर एंड 0 1 2 आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर। बेटा एक तो फॉल्स है, 0 1 2 तो बेटा पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं? पॉजिटिव अच्छा ये है नॉन पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि दे आर नॉट नेगेटिव, तो ये तो ट्रू हो गया ना, फिर सारे ही ट्रू हो गए। जीरो इज अ नेगेटिव इंटीजर, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी बेटा, ऑप्शन सी आ जाएगी बेटा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों या नहीं क्लियर है? ठीक है, तो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास इसके बाद, राइट सर, बच्चों? आवर फर्स्ट पीरियड स्टार्टेड। हाँ जी बच्चे, मैं छोड़ रहा हूँ आपको। ओके, थैंक यू टीचर्स एंड थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।